अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो देखिए शाम हो गई और आज एक फिर मैं नई एक रेसिपी के साथ आई हूँ आपके साथ। तो देखिए कल से तो साफ सफाई चालू थी, तो पहले करती हूँ लाइट ऑन क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो अभी यहाँ पर हो गया उजाला। तो कल देखिए मैं इतना थक गई थी काम कर करके, क्योंकि सब टाकी वगैरह जो पानी की रहती है वो सफ़ा करने का रहता, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, इसलिए तो वहाँ पर टाकी उसके ऊपर महाले के ऊपर का सब सफ़ा कर कर बहुत टाइम हो गया था। और रात में ही मैं बर्तन वगैरह जो भी था वो सब सफ़ा कर ली थी, तो टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाई, मैं रात में बस थक के ऐसी सो गई थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब बर्तन वो सब मेरे सफ़ा हो गए। तो देखिए ईद की तैयारी पहले शुरू हो गई है मेरे किचन से शुरू, क्योंकि यहाँ पर हो गए मेरे बर्तन वर्तन धो के सब। और आज नए बर्तन भी ले ली हूँ, देगची वगैरह क्योंकि पकाने के लिए चाहिए ही। और यहाँ पर सब हो गई है मेरी साफ सफाई, किचन की तो हो गई और अभी बाकी है थोड़ा थोड़ा जैसा कपड़े वगैरह सब सफा करना है। तो आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की एक नई रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सब तैयार कर ली हूँ, तो क्या क्या डालना है आप लोग भी देखिए। और पहले शुरू तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन अच्छे से धोकर रख दी हूँ ताकि इसका पानी जो भी रहेगा वो निकल जाएगा। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 प्याज बड़ी बड़ी काट कर, 6 प्याज बड़ी बड़ी थी वही मैंने अच्छा पतला पतला काट ली हूँ उसको। तो देखिए पहले शुरू तो अपने को प्याज को एकदम अच्छी तरीके से फ्राई करना है, और उसके बाद में क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। आज की मेरी रेसिपी का नाम है निज़ामुद्दम का मुर्ग। तो ये नई रेसिपी है और ये रेसिपी हैदराबाद वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हैदराबादी स्टाइल में है। शादियों में हैदराबाद में यही सालन जो है जैसा अपने दर पे अलग रहता, ग्रीन सालन रेड, तो वहाँ पर वो यही सालन पसंद है। तो देखिए मैं रेसिपी तैयार करती हूँ, तो चलिए पहले बिस्मिल्लाह बोलकर, क्योंकि हर बार मैं बिस्मिल्लाह बोल के ही रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। कभी भी घर में कुछ भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो पहले बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छी बने और टेस्टी भी बने। तो हर बार तो मैं स्लो बोलकर आज मैं, लेकिन आप लोगों को भी सुनने आना चाहिए इस तरह से बोलकर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ रेसिपी। पहले फ्राई करती हूँ कांदा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ तपेली। तो ये तपेली पहले रख देती हूँ और यहाँ पर चलो पहले प्याज फ्राई करके फिर मैं आगे की रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी पहले शुरू चिकन में क्या डालना है, और पीस मैंने ज़्यादा बड़े नहीं रखी हूँ क्योंकि इसको धीमी आंच पे पकाना है। तो पहले शुरू हरी मिर्ची 3 से 4 काट कर ये डालना है, और उसके बाद में दही। तो यहाँ पर एक कटोरी मैंने दही ली, दही भी, और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, सब मसाला इसमें ही डालकर इसको दम पे पकाना है। इसलिए देखिए ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिरी 1 चम्मच पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। ये जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ मैंने, तो 1 चम्मच अभी सिर्फ इसके अंदर डालना है एलोवेरा का तीखा लाल जो मसाला रहता है, कश्मीरी मिर्ची पाउडर। तो ये यहाँ से 1 से 1.5 चम्मच। तो देखिए मिर्ची पाउडर तो डाल दी हूँ मैंने, अभी बस इसके अंदर डालना है 1 लींबू। तो लींबू की इस तरह से डालेंगे तो लींबू का रस, 1 ही अच्छा बड़ा लींबू लेना है और उसका रस ही अपने को डालना है, बीज नहीं डालने देना, बीज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बीज अगर जाएगी तो थोड़ा कड़वापन आता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर नींबू का रस डाल दी मैंने 1 चम्मच,
एक चम्मच ही हो जाएगा महक वो, अगर एक नींबू का रहेगा तो एक ही चम्मच के जैसा रस निकल रहा है, क्योंकि नींबू तो बाप रे इतने ज्यादा महंगे हो गए, बहुत ज्यादा ही। और बस अभी देखिए, तो देखिए प्याज जो फ्राई करके मैंने रखी थी वो उसके अंदर, डाल दी प्याज भी, और अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर थोड़ा टाइम मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आप लोग एक दो घंटा भी रखेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ये, क्योंकि चिकन में मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है तो बहुत टेस्ट आएगा चिकन में। तो यहाँ पर देखिए मैं तो एक घंटा रखूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए, तो अब इसको यहाँ पर मैरिनेट होने के लिए अच्छे से रख देते हैं। और उसके बाद में तो इसके अंदर कुछ ग्रेवी भी बनाकर डालना है, जैसा 10 मैंने बादाम ली हूँ, 10 काजू और खोपरा। अगर खोपरे का आपके पास पाउडर भी रहेगा तो कोकोनट जो पाउडर अभी निकला है वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैंने सूखा खोपरा काट के अब इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो देखिए इसको कैसा ग्राइंड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसको काजू और बादाम सब एक साथ इसको पीसना है, लेकिन इसको एक कप दूध में पीसकर, ये भी इसके अंदर ही मसाले में डालना है। तो पहले इसको मैं ग्राइंड कर लेके आती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीसकर थोड़ा दरदरा सा जो खोपरा और काजू बादाम था, एकदम बारीक नहीं करना है इसको, और ये भी पूरा इसके अंदर डालकर, अब इसके अंदर क्या डालना है, लौंग और छोटी इलायची। तो यहाँ पर मैंने देखिए 8 लौंग ली हूँ और 4 छोटी इलायची, और पुदीना और कोथमीर काटकर, पुदीना और कोथमीर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। और अभी बस इसके ऊपर से डालना है नमक, तो यहाँ पर नमक भी मैंने डाल दी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि ये स्लो पे दम आंच पे पकेगा, तो इसमें पानी जो दही है डाले अपन ने उसका ही पानी काफ़ी छूटेगा, तो उसमें चिकन अपना अच्छे से बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा इंशाल्लाह, ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो ये मैंने खुद से रेसिपी ट्राई करी हूँ, अच्छे से मैरिनेट हो गया, मैंने एक घंटा ही रखी। थोड़ा सा अभी इसके ऊपर से शाहजीरा डालना है, शाहजीरा डाल दी हूँ। और यहाँ पर क्या हम कैट मुझे क्या कर रही थी पैर पे, तो मैं डर गई। शाहजीरा डाल के थोड़ा सी फूड कलर आने के लिए बस, तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाली हूँ। और इसके बाद में डालना है तेल, एक कटोरी तेल। अगर आप लोगों को घी डालना है तो घी भी डाल सकते इसके अंदर, लेकिन मैं तो तेल ही डाल रही हूँ। तो देखिए ये तेल वगैरह सब डाल के एक कटोरी इसको सब एक साथ में पकने देना है। तो अभी पहले शुरू अपन रखते हैं तवा। तो यहाँ पर इसको, अगर आपके पास कोई भी पुराना वगैरह तवा रहेगा तो उसको रख कर आप इसको रख सकते हैं। तो पहले शुरू रखना है तवा और उसके बाद में इसको, तो यहाँ पर देखिए मैंने तवा रख दी हूँ इसको पहले से। तो अगर सिल्वर पेपर आपके पास है तो सिल्वर पेपर पूरा कवर करके ढक्कन ढाप के रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल में अभी नहीं है तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ढक्कन ढाप के एकदम पैक की, इसकी हवा कहाँ से भी नहीं जाना चाहिए, भाप जो बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा तवा हो गया गर्म और अभी बस मैंने इसको रख दी हूँ तवे पे, 5 मिनट तक फास्ट आँच पे रखना है और उसके बाद में इसको स्लो पे पकने देना है। तो वाकई में बहुत टेस्टी लगेगा, है ना महक? हाँ। महक को तो ये सब बहुत पसंद है। तो देखिए खुशबू, तो जब मैं मसाला लगाई जब ही खुशबू आने लगी थी, तो अभी जब इसको पकने के बाद आप लोग भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी। तो पकने 10 से 15 मिनट। तो देखिए पास आँच पे पक गया, अब इसको करना है स्लो। और मैंने इसको तवे पे ही रखी हूँ देखिए, और ऐसी इस तरह से इसको पकाना है। और ना
बहुत अच्छे से चिकन को गलना जरूरी है इसके अंदर। तो अभी तो यहाँ पर स्लो पे रख देती हूँ, अभी ये फास्ट पे हो गया, अब इसको 10 से 15 मिनट स्लो पे पकने देते हैं। वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह, और दिख रहा भी बहुत टेस्टी। आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं तो देखिए, अब इसको ढक कर रख देते हैं इसको जब तक पकने देते हैं। और किचन में तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो देखिए पकाते पकाते इतना पसीना हो जाता है, और किचन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जितनी ठंडी थी उतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और किचन में बस ऐसा लगता है कब किचन से बाहर जाए। तो जब तक देखिए पकता है सालन को, जब तक पकने देते, बस मेरा तो पका के हो गया। और आप लोगों को इसके साथ या तंदूरी रोटी या पराठा, तो मैंने तो बघार कर चावल बना ली हूँ, और ये और इसके साथ तंदूरी रोटी बहुत टेस्टी लगेंगी। तो देखिए सालन बन के रेडी हो गया, तो इसको मैंने अपने स्टाइल में बनाई हूँ, और इसको मैंने नाम दी हूँ देखिए शादी वाला निज़ाम दम मुर्ग रेसिपी। तो ये हैदराबादों के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती, तो वही स्टाइल में मैंने बनाई हूँ। तो मसाला मैंने खुद अपने इसमें जो भी मसाला लगता, तो मैंने अपने, मेरी रेसिपी है मतलब, तो मैंने इसमें अपने हिसाब से मसाला डाली। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी, और कैसी लगी मेरी रेसिपी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।